राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ वैचारिक तौर पर सबसे मुखर हमले करने वाले नेता हैं। राहुल अपने मत को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। किसी दूसरे दलों के नेता तो दूर की बात रही, खुद कांग्रेस के नेता भी इतने खुले तौर पर संघ पर बयान नहीं दे पाते हैं जितने खुले तौर पर राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं। एक बार फिर राहुल ने ट्वीट कर संघ पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने आरएसएस को लेकर एक ट्वीट किया। राहुल गांधी के इस ट्वीट को उनका आरएसएस पर किया गया सबसे जोरदार हमला माना जा रहा है। वैसे तो राहुल समय समय पर संघ को घेरते आए हैं, लेकिन इस बार राहुल ने संघ की संरचना पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने ट्वीट करके कहा, मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं। परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है जो आरएसएस में नहीं है। मैं आरएसएस को परिवार नहीं कहूंगा। राहुल के ट्वीट को उत्तर प्रदेश के झांसी में केरल के ननों के साथ हुई घटना से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल झांसी रेलवे स्टेशन पर एबीवीपी के लोगों ने केरल की ननों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर ट्रेन से उतार दिया था। इस घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक बवाल मचा हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए अमित शाह को पत्र तक लिख दिया। तो वहीं वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इस घटना पर ट्वीट कर संघ परिवार को जिम्मेदार बताया। राहुल का ताजा ट्वीट इस बात को साफ करता है कि यह घटना केरल में चुनावी मुद्दा बन गई है और इसका खामियाजा बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को उठाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।